Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. I am fine, alhamdulillah. जी बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? जी क्या कहा, फ्रेंड्स के यहाँ गए थे आप? क्यों भाई? फ्रेंड्स की तबीयत अपसेट थी, ख़राब हो गई थी. क्यों भाई, क्या हुआ था? आपके फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी, उसने अनहेल्दी फूड खा लिया था. हाँ, क्या खा लिया था भाई? बाहर की चीज़ें खा ली थी. ओ हो, फिर आपने उन्हें बताया? क्या बताया भाई, क्या रिकमेंड किया आपने, क्या उनको मशवरा दिया, कोई टिप्स दी, क्या बताया? कि हेल्दी फूड खाने चाहिए. और क्या खाना चाहिए भाई? एग्स खाने चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने. और दूध पीना चाहिए, वेरी गुड. ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें हेल्दी रखता है, हमें एनर्जी देता है, वेरी गुड. और आपने क्या बताया? जूसेस का भी बताया, वेरी गुड. फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में बताया कि फ्रूट्स खाने चाहिए हमें, वेजिटेबल्स खाने चाहिए. जी आप उनको बताते, अपने फ्रेंड को बताते कि भाई फ्रूट्स खाएं आप, वेजिटेबल्स खाएं, मिल्क पिएं और एग खाएं, मीट खाएं, तो आपकी बोन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी, आप खुद भी स्ट्रांग हो जाएंगे और अपने अंदर एनर्जी आ जाएगी. ये सब बताया था आपने. ओहो, फिर तो आपके फ्रेंड जो हैं बहुत इम्प्रेस हो गए होंगे आपसे कि भाई आपको तो इतनी चीज़ें पता हैं. बताया था आपने उनको, वेरी गुड. ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं, है ना? चलिए जी, यही तो अच्छी बात है हमारे इस वीडियो लेसन ग्रुप की कि हम इसमें नई नई चीज़ें सीखते हैं और फिर मेरे फ्रेंड्स आगे भी डिलीवर करते हैं, आगे अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, है ना? चलें जी, हमारा चल रहा है चैप्टर, पता है ना कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? जी हमारा चैप्टर फूड शॉपिंग, चैप्टर नंबर 5, जिसका हम कर रहे हैं आजकल रिवीजन. और इसी रिवीजन से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमें कौन कौन से फूड से लेने चाहिए, उनका इंटेक रखना चाहिए और कौन से फूड को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, है ना? हेल्दी फूड्स को हमें नहीं लेना चाहिए, है ना? सही है ना? चलें जी. अच्छा ये बताइए कि भाई हम आजकल अपनी साइंस की क्लास में क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं. हमें रीडिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा भाई? इसके लिए फूड थोड़ी खाएंगे, फूड खाने से रीडिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव थोड़ी होगी, बल्कि बार बार रिपीट करने से, बार बार रिवाइज करने से हमारी रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, है ना? जैसे हमने कल की थी, हमने कल रीडिंग की थी ना, आज भी अगर हम रीडिंग करेंगे तो हमारी रीडिंग और इम्प्रूव हो जाएगी और हम जल्दी जल्दी से सेंटेंसेस कम्प्लीटली आराम से पढ़ सकेंगे. तो फिर क्या करें, आज भी रीडिंग प्रैक्टिस कर लें. चलिए जी, आज भी करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस. और हमारे पास मौजूद है हमारा पेज कौन सा? यस, लेट्स ओपन पेज नंबर 32 और उस पर मौजूद है हमारा ये चैप्टर जिसको आज हम करेंगे रीडिंग. ठीक है, चलें जी रीड करते हैं उसी तरह से जैसे मैं करती हूँ. क्या 3 times वर्ड्स को मैं पढ़ती हूँ, आप उसको गौर से सुनते हैं और फिर मेरे साथ रिवाइज करते हैं, है ना? चलें स्टार्ट करते हैं. वी 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 बाउट 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 मीट 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 वी बाउट मीट आफ्टर 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 that 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 we bout 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 some eggs 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 we bout some eggs they make me grow strong they make me grow strong then we went to a bakery the bakery
bakery, head, 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 biscuits, 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 breads, 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 and cakes, cakes, cakes. Repeat karte hain. Then we went to a bakery. The bakery had biscuits, breads and cakes. We bought some bread gives us energy to play. We bought some bread. Bread gives us energy to play. At the end, we bought some yogurt and milk from the milk shop. At the end, we bought some yogurt and milk from the milk shop. They make our bones and teeth. They make our bones and teeth strong. Yes, we have completed our chapter reading. Now अब क्या करेंगे भाई, इस चैप्टर को हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, इसकी रीडिंग प्रैक्टिस कर ली है. वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से देखें, रिपीट में देखें, रीडिंग प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें. मम्मा बाबा के साथ बैठ के करें, बड़े बहन भाइयों के साथ में बैठ के करें, रीडिंग प्रैक्टिस करें, और उसके बाद वॉइस नोट भेजें अपने टीचर को, बताइए हम रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का. कल हम मिलेंगे नए काम के साथ. अल्लाह हाफिज़. We'll be right back.